श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की शांति के लिए देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर परिजनों द्वारा तर्पण किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के कोटा तीर्थ पर इन दिनों बड़ी संख्या में लोग तर्पण करने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों श्राद्ध पक्ष को लेकर तिथियों के हिसाब से सिद्धवट घाट पर और गया कोटा पर पंडे पुजारियों द्वारा विधि विधान से तर्पण विधान आदि करवाए जा रहे हैं। पंडित इंद्रेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्राद्ध पक्ष में 16 तिथियां होती है, जिसमें प्रत्येक तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पूजन किया जाता है। इसी के चलते नवे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गया कोटा स्थित घाट पर पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। तो आज विशेष करके जो है श्राद्ध की नौमी तिथि है और इस नौमी तिथि का विशेष महत्व ये होता है कि धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, मोक्ष के रूप में हमारी जो 71 पूड़ियां होती है उनमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन बुजुर्ग लोगों का यहाँ पर विशेष करके महत्व माना गया है और अविधवा नौमी माना गया है। यहाँ पर राजतंत्र कल्प में सर्क नाम का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीर धनवा शिकार खेलने के लिए आए, राजा ने उन्हें मृग समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्महत्या से काला और जटाधारी हो गया। जब वह आगे गया तो भालू मुनि की कपिला गाय बंधी हुई थी, उसको भी मार डाला। राजा थका, थक करके एक वट वृक्ष के नीचे सो गया। जब कुछ व्याघ्र राजा को मारने लगे, राजा के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने उन सारे जानवरों को मार डाला। राजा जब जगा तो उसने वामदेव मुनि से जाकर के ये सारी घटना का वृत्तांत बताया। तब वामदेव मुनि ने कहा कि राजा, तुमने फागुन मास की कृष्ण एकादशी को व्रत किया था, उसके प्रायश्चित से तुम्हारी कृष्णा ने रक्षा करी है। अब तुम महाकाल बन जाओ, वहाँ पर गया कोटा तीर्थ है, भगवान के 16 चरण बने हुए हैं, उन 16 चरणों का पूजन अर्चन करो, जिसपे दूध, जल, तुलसी पत्र, श्वेत कमल अर्पण करने से हमारी 71 पीढ़ियां स्वस्थ और मस्त रह करके हमें आशीर्वाद देती है और हाल में रोजगार में, व्यापार व्यवसाय, धन दौलत, घर परिवार, वंश में आनंद की प्राप्ति होती है। उज्जैन क्षेत्र के अंदर रामघाट, सिद्धवट और गया कोटा क्षेत्र माना जाता है। इस गया कोटा क्षेत्र में 16 दिन श्राद्ध पक्ष के आते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंदर 16 तिथियों के भगवान विष्णु के 16 चरण बने विराजमान है। हर तिथि पर भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। इस पूजन के पुण्य से फल प्रताप से अधिक अपने पितरों का अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। 16 तिथियों पर प्रत्येक तिथि पर अपने अपने पितरों का उत्तम कर्म किया जाता है। इस गया तीर्थ के अंदर इस समय सिद्धवट जो है ब्रांच ऑफिस हो जाता है और गया कोठा हेड ऑफिस हो जाता है। यहाँ के कर्म करने पर अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो प्राणी अपने पितरों के उत्तम कर्म को यहाँ पर करता है उसके पितरों गया श्रमिक के पुण्य के फल के बराबर होते हैं। गया शिर बिहार के अंदर जो गया बताई गई है वो पितृ गया बताई गई है। हमारे उज्जैन के अंदर मोक्ष गया बताई गई है। यहाँ पर कर्म करने पर पितरों को मोक्ष प्रदान होता है। उन्हें अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे प्रथम गया छात्र किया जाता है, द्वितीय 31 छात्र किया जाता है, महालय श्राद्ध किया जाता है, षोड़श श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। यहाँ पर बहुत से जातक पितृशांति का कर्म भी आदि करते हैं। आपके सामने कर्म के अंदर दिखाया जाता है ये पितृशांति कर्म हो रहा है। पितृशांति के अंदर हमारे पितरों का मोक्ष प्रदान करके परमात्मा अपने श्री चरणों में वास लेते हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।